गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिंदी में चैप्टर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर थ्री पढ़ाएंगे। चैप्टर थ्री है शिष्टाचार यानी अच्छा व्यवहार। इतने जीवों में परमात्मा ने केवल आदमी को ही मनुष्य बनाया है। इतने जीवों में, पूरे संसार में अनगिनत जीव जंतु हैं, लेकिन भगवान ने सिर्फ आदमी को ही मनुष्य बनाया है। आदमी जब शिष्ट बनता है, जब वह छोटों, हम उम्र लोगों और बुजुर्गों के साथ यथा योग्य व्यवहार करना सीखता है। आदमी जब भी अच्छा व्यक्ति बनता है, जब वह छोटों के साथ प्यार का व्यवहार, हम उम्र के साथ और बुजुर्गों के साथ उनके योग्यता के अनुसार व्यवहार करता है, तब वह मनुष्य की गिनती में आता है। दूसरे शब्दों में, शिष्ट आदमी ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। मतलब जो अच्छा आदमी तभी बनता है, मनुष्य कहलाता है, जब वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। विनम्रतापूर्ण आचरण और व्यवहार शिष्टाचार है। सबके साथ विनम्रता से बोलना, आदर के साथ बोलना ही शिष्टाचार है। ऐसा आचरण जो साधारणतः एक सामाजिक प्राणी से अपेक्षित हो, शिष्टाचार है। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो समाज में रहने वाले प्राणी आपसे अपेक्षित हो। यदि हम दूसरों के साथ सभ्यतापूर्ण ढंग से पेश आते हैं, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं और दूसरों का उचित आदर सत्कार करते हैं, तो इसका अर्थ हमें शिष्टाचार का ज्ञान है। शिष्टाचार मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करता है। यह मानसिक तनाव में मुक्ति और दैनिक जीवन में कार्य संपादन में कठिनाइयों को कम करता है। यदि हम में शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार हो हमारे अंदर, तो हम में मानसिक तनाव यानी दिमागी जो भी अशांति है वो कम हो जाए, उससे मुक्ति मिल जाती है। दैनिक जीवन में जो रोज़ के काम होते हैं, उसमें जो कार्य करते हैं अपन दैनिक जीवन में, उसमें भी कठिनाइयों की कमी हो जाती है। उसमें जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य बिखेरता है। शिष्टाचार सर्वत्र आदर, सत्कार और सम्मान का पात्र बनाता है। यदि हमें अच्छा व्यवहार करना होगा, अच्छी तरह सबसे बात करेंगे, सबको इज्जत देंगे, तो सभी जगह हमारा मान सम्मान होगा, हमें आदर की दृष्टि से देखेंगे। महाभारत में वेदव्यास जी का कथन है कि शिष्ट आचरण कल्याण करने वाला, आयु बढ़ाने वाला एवं कीर्ति प्रशस्त करने वाला है। जो अच्छा व्यवहार करता है सबके साथ, महाभारत में वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा व्यवहार करने वाला हमेशा कल्याण करने वाला, उसकी आयु भी बढ़ती है और सब जगह कीर्ति प्रशस्त, सबका सब जगह उसका मान सम्मान भी बढ़ता है, उसको इज्जत अधिक मिलती है। इससे यही लोक और परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है। शिष्ट व्यक्ति को इस संसार में और परलोक में भी सम्मान प्राप्त होता है। इतनी ही नहीं, वह बुरे लक्षणों को भी नष्ट करता है। अच्छा व्यवहार, बुरे लक्षण जो भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं अच्छे व्यवहार के कारण। शिष्टाचार को परम धर्म, परम तप और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के तुल्य तथा सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला बताया है। विनम्रता शिष्टाचार का एक अनिवार्य गुण है। विनम्रता यानी नम्रता से बोलना शिष्टाचार का एक सबसे आवश्यक गुण है, जरूरी गुण है। वाणी और व्यवहार की विनम्रता शिष्ट आचरण की पहली पहचान है। सबसे नरमी से बात करना, विनम्रता से बात करना शिष्ट आचरण की पहली पहचान है। हित, मित, मृदु और विचार पूर्वक बोलना वाणी का विनय है। सबकी भलाई बोलना, मीठा बोलना और सोच समझ के बोलना ही वाणी का विनय है। अथर्ववेद का ऋषि कामना करता है कि मेरी जीभ के अग्र तथा मध्य भाग में मधुरता रहे। अथर्ववेद का ऋषि भगवान से यही कामना करता है कि भगवान मेरी जीभ के आगे और बीच का भाग में मधुरता रहे। मेरी जीभ जब भी बोले मधुर बोले, मीठा बोले।
वेदव्यास जी महाभारत के उद्योग पर्व में वाणी की चार विशेषताएं बताते हुए लिखते हैं कि व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना, यानी गलत बोलने की अपेक्षा यानी बजाय मौन रहो, चुप रहो, सत्य वचन बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, झूठ मत बोलो, प्रिय वचन बोलो यानी मीठा बोलो, और धर्म की बातें बोलना वाणी की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। यानी धर्म की बातें बोलना ही वाणी की सबसे अच्छी श्रेष्ठता विशेषता है। लेकिन प्रिय होने पर भी जो हितकर ना हो उसे नहीं कहना चाहिए। कह रहे हैं कि मान लो हम मीठा बोले और वो किसी की भलाई के ना हो उसमें मीठा बोलने में, तो वह हमें कभी नहीं करना चाहिए। हितकर कहना ही अच्छा है चाहे वह अत्यंत अप्रिय हो। हमें दूसरों की भलाई के लिए अगर कुछ कहना है, भले वह अप्रिय हो, भले वो बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन किसी दूसरे की भलाई हो तो हमें अप्रिय ही बोले, लेकिन दूसरे की भलाई के लिए बोले। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।